Right. So can we start, sir? Right. So good morning, good afternoon, everybody. Good afternoon हो गया लगभग. So आज की क्लास का एक special, बहुत special feature है कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास. So हमारे बीच में एक HCS retired officer sir बैठे हैं. Half of the class would be delivered by me, half of the class would be delivered by sir. So we are very lucky and blessed to have sir over here. And again, we'll continue with the current affairs where we left last time, right? So class में थोड़ा सा change करा है मैंने. क्यों बताऊंगा? पहले जो हम खबर पढ़ रहे थे पिछले तीन हफ्ते से, चॉकलेट मिलेगी कैसे वो भी बताऊंगा. सो पिछले तीन हफ्ते से हम गवर्नर की खबरें पढ़ रहे थे, जहां हमने डिसाइड करा था कि सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे वी हैड डिसाइडेड, वी हैड फॉर द पर्पस, वी हैड सेड सेंटर में प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट में गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इधर हेडेड बाय सीएम, इधर हेडेड बाय पीएम, राइट? सो वी हैड डिसाइडेड कि ये बड़े दादा हैं एक परिवार में और ये उसके बेटे पापा, ये छोटे दादा, ये उसके बेटे अनदर पापा. वी हैड डिसाइडेड दिस कि इसी कंसेप्ट से हर साल तीन तीन चार चार सवाल आ रहे हैं. तो अब क्या हुआ है वो कहानी याद करो दोबारा से, ये पूरी स्टोरी में बताऊंगा. कहानी याद करो कि पहले क्या खबर आई थी, बाद में क्या खबर आई थी, तीसरे में क्या खबर आई थी. व्हेन आई कवर दिस टॉपिक आई विल रिपीट द स्टोरी, बट व्हाट्स द चेंज, द आइटिनरी ऑफ द क्लास वुड चेंज. जस्ट अ मिनट जी. सो वी विल बी डूइंग दिस पहले एमसीक्यू, अर्लियर वी यूज्ड टू डू एमसीक्यूज इन द लास्ट, देन वी विल गो फॉर द न्यूज एंड देन वी विल हैव अ. सर मैंने तो प्रीलिम्स देने दिया, मेंस का सवाल क्यों करा रहे हो? आई एम ऑडिबल टिल देयर. लास्ट टाइम एक्चुअली क्लास के बाद किसी ने मुझे बोला कि पीछे तक आवाज नहीं आ रही थी. इफ यू टेल मी ओनली देन आई विल बी एबल टू इंक्रीज माय वॉल्यूम, है ना? बीइंग एन एडवोकेट आई कैन इंक्रीज इट सो मच कि दीवारें भी गिर जाएंगी, बट बताओगे तभी होगा ना, राइट? सो दिस वुड बी द आइटिनरी. पहले पहली चीज को देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड. भगवंत साहब को कौन से गुलाब मिले? गवर्नर चेंज हो गए पंजाब के, इनका नाम क्या है? गुलाब सिंह, है ना? गुलाब चांद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया जी, ही इज नाउ द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब. सो दिस वाज द रिलेवेंस ऑफ द फर्स्ट पिक्चर. तो एमसीक्यूज पे चलें, छह सवाल हैं सिर्फ आपको अभी आंसर करने हैं, ए बी सी डी, और जो सबसे सारे आंसर ज्यादा सही देगा ही गेट्स दिस, ही और शी गेट्स दिस चॉकलेट एज पर द रूल ऑफ द प्रीवियस क्लासेस. वन बस एक चेंज है इसमें कि पिछली बार एमसीक्यूज वो थे जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हुए थे, इस बार एमसीक्यूज वो हैं जो इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे, जस्ट टू क्रिएट इक्वालिटी. एंड वन मोर रीजन विच वॉज एक्चुअली डिस्कस्ड एंड गाइडेड बाय सर एज वेल, कि अगर हम ये समझना, बात बहुत जरूरी है, अगर हम क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रख लें, है ना, कि कुछ भी पढ़ने से पहले, एज आई ऑलवेज से, कोई भी तैयारी करने से पहले सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पता होने चाहिए. तो अगर हम क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच शुरू से बना लें, कॉलेज में ऐसा होता था ना कि पढ़ा फिर आंसर लिखे, यहाँ पे पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन देख लिए कि भाई पूछा क्या जा रहा है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूपीएससी एंड कॉलेज एग्जाम, कि यहाँ पे आपको पढ़ना ही उसी अप्रोच से है कि इस मटीरियल से सवाल क्या आ सकता है. तो अगर आपने सवाल देखे होंगे पहले और उसके बाद पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाइल रीडिंग कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है. दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच पॉसिबल. हेंस अब आप मेरी कमी नहीं निकाल लेंगे कि यार ये तो मैंने सुना भी नहीं. दीज आर दी सिक्स आंसर्स क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, ए बी सी डी. तीन ये रहे, तीन आगे आ रहे हैं, अपने हिसाब से आंसर कर लो. आई गिव यू सिक्स मिनट्स फॉर सिक्स क्वेश्चंस. लिख लो एबीसीडी एबीसीडी, बाद में चेक कर लेंगे, अभी चेक करते हैं हम क्लास में. किसी पे आंसर तो नहीं लिखा हुआ? नहीं. जो अखबार पढ़ रहा है उसको सारे आते हैं, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
जी सर, आई होप यू नॉट फाइल अ पिटीशन फॉर हैरासमेंट। पहली बार आई और सवाल करा रहे हैं, कॉम्पनसेशन देता फिर रॉन्ग क्लास लेने के लिए। These are the actual standard of questions asked in the exam. ऐसे ही आते हैं पेपर में। आपके जाति भी नजर आ रही है। अगर किसी का कोई भी आंसर सही नहीं हुआ तो फिर चॉकलेट नहीं आता। डन, एवरीबॉडी इज डन, कोई रह गया हो? एवरीबॉडी इज डन, मतलब आता है किसी ने क्या रहना, यहाँ सब आता है, सब कुछ हो गया, कोई रह गया हो? हाँ जी, एक रह गया, करो। Everybody is supposed to have six ABCs, ABCD, 1, 2, 3, 4, right? Likh liye? Law ko copy de do. Jisne likhi ho de do. Naam likh dena, gum ho jayega. Aap ko copy de do nahi hai. Aisa bhi hona tha, very bad hai na. Aisa nahi hona chahiye. चेक करना है, आप चेक करना है, नहीं है पास में मेरा इसका चेक करना। जी, क्या फोन रेट लिखा, डिजाइनर है ये? मेरे फॉर द फर्स्ट टाइम मैम। We'll talk after this class. Teacher, koi cheating nahi karni. Okay sir. Kaun rahega jiska change nahi hua hai abhi? Ya sir. Do check kar liye. So let's check the answers. Question भी discuss कराऊंगा, पहले answer check कर लेते हैं। I'll read them out and you will evaluate your answers, right? So first का answer C चंडीगढ़ है, C option. Then second का B बॉम्बे है, third का C चंडीगढ़ है, fourth का D दिल्ली, fifth का B बॉम्बे, sixth का D दिल्ली. डन। तो क्या बनता है, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ मेनी ऑफ अस हैव, जिस जिसके पास कॉपी है, किसी के छह ठीक हों, पांच ठीक हों, मेरे को आती दिख रही है, चार ठीक हों, तीन भी, चार हैं, चार हैं यार, किसका है पेपर, पक्का चार ठीक है? एवरीबडी प्लीज हल्के हल्के आ सकते हैं। वेल डन, योर गुड नेम इज सिमरन, है ना?
So Simran is the topper for today. She's taken away my chocolate. Anyhow, so questions देख लेते हैं एक बार. So ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पॉलिटी में आ रहे हैं पीपल से कि यार ये तो सिलेबस में था ही नहीं पर अखबार में था. देखो ये तीनों स्टेटमेंट्स इतनी रेलेवेंट नहीं है, इसमें रेलेवेंट है ये. दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटी. सो वट वॉज आर अप्रोच. आर अप्रोच वॉज कि करंट अफेयर के, सॉरी यार वापस कॉपीज एक्सचेंज कर लो, लिखना आसान रहेगा. जिसके पेजेस थे वो बाद की बात है, अपना वापस करो. दिस इज आई थिंक दिनकर, ये मैडम जी आपकी, ये आपके. एवरीबडी गॉट बैक देयर नोटबुक्स? एवरीबडी गॉट इट बैक? मिल गया सबको? कंफ्यूजन ओवर? चलो. सो दिस वॉज इन न्यूज की Our approach was कि हम लोग करंट अफेयर्स के अलग नोट्स नहीं बनाएंगे. अगर बनाते हैं तो क्या होता है, the experience will tell me, कि करंट अफेयर्स की बुकलेट्स के 10 किलो हो जाते हैं और स्टैटिक बुकलेट्स के 5 किलो हो जाते हैं, है ना. सो एट द स्टूडेंट लेवल करंट अफेयर्स के अलग नोट्स नहीं बनेंगे. हम लोग स्टैटिक में जहाँ से पढ़ रहे हैं, क्लास नोट्स से पढ़ रहे हैं, उसी को मार्क कर लेंगे. भी ये इंपॉर्टेंट हो गया. तो इस न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट हुआ? ओवर हेयर आर्टिकल 14 एंड 19. बेसिकली न्यूज क्या थी कि एडवोकेट्स को हमें फीस देनी होती है फॉर एनरोलमेंट, और एग्जॉर्बिटेंट फीस, मतलब बहुत ज्यादा फीस रखी हुई है, 20,000-35,000. अब नया नया बच्चा, नया नया लड़का वकालत करता है, पहले तो पेपर ले लेते हैं उसका, फिर उसको एनरोलमेंट के लिए फीस लेते हैं 20,000-30,000. तो अभी खासकर लॉयर्स अमंगस्ट अस नोट करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर स्टेट बार एसोसिएशंस एडवोकेट्स एक्ट से ज्यादा फीस ले रहे हैं, इसमें पता कितने लिखे हैं, 775 रुपए, और कितनी ले रहे हैं एटलीस्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट एनरोलमेंट की और, तो ये चोरी है. इससे हमारा आर्टिकल 14 और 19 वायलेट हो रहा है. और नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि वकीलों को रेगुलेट करा जाता है एडवोकेट्स एक्ट से. सारी एजुकेशन जो लॉ की चलती है, स्टेट बार काउंसिल्स आर हेड थ्रू दिस एक्ट, राइट. इतना पता हो तो पेपर हो जाता है, राइट जन. ये फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट काबुल वाज फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी. ये बेसिकली उस जमाने की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जर्मनी में हिटलर साहब थे, है ना. तो उन्होंने इंडिया की हेल्प करी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी हेल्प करी. सॉरी, हिटलर वॉज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है. सो जर्मनी हेल्प्ड इंडिया एज वेल. काबुल में फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी थी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट 1950 में इंडिया में कौन था? ब्रिटिशर्स. रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट, इसलिए खबर आई थी, इसलिए सवाल. देन विच अमंग द फॉलोइंग, हाँ जी अमीरी भी ले लो यार, ऐसे आनी चाहिए फोटो. सो विच अमंग द फॉलोइंग आर इजियर एंड एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बेस्ड ट्रेवल कंसिडरिंग क्लाइमेट चेंज. अभी 2-3 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, है ना, तो उसके लिए ये खबर आई थी. पूरा एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पे था. ये शॉर्टर रन में नहीं जी, एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है, हाउ डज इट फ्लाई, सिंपल बेसिक फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना बर्नौलीज थ्योरम, बस नाम बड़े बड़े हैं, कुछ नहीं है. जब हवा एक, लेट्स से ये पर है एयरक्राफ्ट का, दिस इज द विंग, विंग है ना एयरक्राफ्ट का, सपोज ये विंग है. अब इसके नीचे से भी हवा जा रही है, ऊपर से भी जा रही है, जब आप चलाते हो गाड़ी नीचे से भी ऊपर से भी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं कि नीचे वाली हवा तेज चलती है और ऊपर वाली धीरे चलती है. साइंस वाले समझ रहे हैं कि क्या कह रहा है, बर्नौली थ्योरम तो है, बट नॉन साइंस वालों को भी समझाना है ना मुझे. तो ऊपर वाले विंग को सीधा बनाते हैं, नीचे वाले को थोड़ा टेढ़ा. तो नीचे वाली हवा तेज चलती है, उसे डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, तो नीचे वाली हवा ज्यादा पुश करती है, इस पुश से एयरक्राफ्ट उड़ जाता है ना. ज्यादा पतले हो तो लोग भी ध्यान नहीं देते कि ये तो मरा सा है. सो सिमिलरली पतली हवा का प्रेशर कम होता है, तो जो अपवर्ड लिफ्ट मिलना है वो कम मिल रहा है, तो शॉर्टर नहीं सर, लॉन्गर रनवे चाहिए होता है, लिफ्ट लेने के लिए ज्यादा देर लगता है, तो हैंस ही लॉन्गर होना चाहिए. और अगर आपके पास लिफ्ट ही कम है, प्रेशर ही कम है, तो ज्यादा वेट थोड़ी करोगे, कम करना पड़ेगा, हैंस ये दो गलत है. एंड फ्लाइट शेड्यूल ड्यूरिंग कूलर आवर्स, ये तो चाहिए, बिकॉज हवा ठंडी होगी तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा. गॉट माय पॉइंट? ये दिस इज फ्रॉम फिजिक्स. अगर नहीं पढ़ी साइंस, हो सकता है ना समझ आया, वो बता दो मुझे. क्लियर एवरीबडी? सारे ब्रिलियंट हैं, वेरी गुड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल कमिटीज. ये देखो, इसमें ट्रिक देखनी है एग्जाम की.
ये दोनों बातें सच हैं, बस नाम उल्टे लिखे हुए हैं। इसको ऊपर और इसको नीचे कर दो ना ऐसे तो सही होगा। टू स्टेटमेंट वाले एग्जाम में, वो क्वेश्चन में, यूपीएससी ऑल्सो समटाइम्स यूजेस दिस। सो जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे ना, तब भी सोच के करना। और अगर आप अटेम्प्ट की टेक्निक्स को समझ गए तो एक्चुअली प्रीलिम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती, राइट? सो दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट। दोनों बातें सच हैं, बस ऊपर नीचे नाम रखा। ये माधव ने बोला था, ये कस्तूरी रंजन ने, राइट? देन अजरक पेंटिंग, दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज एंड पॉइंटेड आउट बाय सर कि ये देखो सवाल, ये मैंने भी मिस कर दिया था, राइट? सो अजरक प्रिंटिंग इज अ प्रिंटिंग विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ आईवीसी एंड मुगल आर्ट फॉर्म्स। हेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिलेबस के, हेंस इस पे सवाल आ सकता है, राइट? सो हाँ जी, मुगल आर्ट फॉर्म्स आर इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड थी। बाकी स्टेटमेंट की फॉर्मेशन देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाय, दिस इज अ वेरी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट। इतनी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट यूजली सच होती है, राइट? देन ट्री कॉटन क्लोथ वर यूज टू मेक क्लोथ फॉर दिस आर्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट? ट्री कॉटन क्लोथ बेसिकली आईवीसी ने कॉटन को बनाना शुरू किया था, है ना? कॉटन में हम लोग एक्सपर्ट्स हो गए थे, सो दैट इज द टाइम विच दे द अजरक पेंटिंग गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम, राइट? एंड रिसेंटली द आर्ट फॉर्म वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल आर्ट। ये गलत है, ऐसे ही यूपीएससी खेल करता है आपके साथ, है ना? सो हेंस दिस इज रॉन्ग एंड दोज टू आर करेक्ट। देन नेक्स्ट, दिस इज अ ह्यूज 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 चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द रीसेंट वर्डिक्ट। इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा, राइट? सो आई विल एक्सप्लेन इट ओवर देयर। एनी अदर डाउट्स और प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चंस? नो प्रॉब्लम्स। चलो फिर दोबारा से देखते हैं टॉपिक्स को। तो गुलाब सिंह मिले थे, गवर्नर की कहानी हमने 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं, बार 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 गवर्नर पे खबर आ रही है। तो हमें क्या दिखना चाहिए? क्वेश्चन तो आएगा, इस बरी का मेंस देख लेना, अभी होने वाला है सितंबर में। तो गवर्नर या प्रेजिडेंट पे सवाल होगा, आज कह दिया आप पेपर में देख लेना, राइट? सो दिस इज हाउ यू प्रिडिक्ट क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द न्यूज। एंड वी आर वेरी लकी दैट सिलेक्टेड ऑफिसर्स आर डूइंग दैट फॉर यू, राइट? हेंस गवर्नर की बात रिवाइज करते हैं। हमने पहले देखा था कि न्यूज सवाल कैसे बनती है, कि महुआ मित्रा की जो न्यूज आई वो प्रीलिम में कैसे आई, है ना? सेकंड हमने देखा कि गवर्नर की कहानी वैसे ही चल रही है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट न्यूज फॉर गवर्नर वाज कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर की फॉरवर्डेड लॉज को मना कर दिया, बिकॉज सीएम मान और जो पुराने गवर्नर कौन थे, बनवारी लाल पुरोहित, उनमें टसल चल रही थी, वो लॉ बनाना चाहते थे वो नहीं बनाते थे। तो हमने देखा उसमें कौन सा आर्टिकल था पहली वाली खबर में, आर्टिकल 163 देखा, 200 देखा, अब 341 भी आ गया। और उसके बाद कौन सी खबर देखी थी हमने कि एक औरत ने गवर्नर पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस कराया, तब इम्यूनिटी वाला आर्टिकल न्यूज में आया था, कौन सा था, 361, अब कौन सा आ गया, 341। तो हेंस यही सवाल बन जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस दैट सवाल आया कहां से। फिर आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे, बोलेगा ऐसे सवाल पूछेंगे कमजोर दिल वाले। सवाल वैसे नहीं है, अप्रोच बनानी है, राइट? दिस क्लास इज बेसिकली टू मेक अप्रोचेस। अगर अप्रोच सही हो गई तो आपको बाद में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद पढ़ेंगे, खुद ब खुद घोड़े बन के भागेंगे, हमें बोलना पड़ेगा धीरे धीरे, राइट? सो हेंस ये देख लिया हमने गवर्नर की क्या क्या खबर आ रही थी। सो अब क्या खबर है? एज आई सेड कि बड़े दादा ने छोटे दादा को बुलाया, एक तो पंजाब का गवर्नर चेंज हो गया बिकॉज बीच में टसल थी, एंड बिकॉज गवर्नर के इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं देश में, एंड गवर्नर ऑक्यूपाइज अ वेरी वाइटल पोजीशन एज वी डिस्कस्ड, ही इज द पिवट और द लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, एंड ही हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, वी हैव डिस्कस्ड दैट, राइट? हेंस फॉर द फर्स्ट टाइम बड़े दादा मतलब प्रेजिडेंट साहब, प्रेजिडेंट मेम साहब द्रौपदी मुर्मू जी ने सेंटर के कहने पे, ऑब्वियसली दादा और पापा वाला रिलेशन याद है ना,
काम सारे पापा करते हैं, नाम हमेशा दादा का होता है. रिमेम्बर दैट स्टोरी, राइट? सो द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला अब से देश में कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी, सारे गवर्नर्स मिलके एक जगह बैठ के अपने अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे. और सेंटर ने कहा है कि गवर्नर्स को अब आदमियों के साथ, मतलब नॉट आदमी आदमी, आदमी औरत, पीपल के साथ लिंक्स बनाने चाहिए और पीपल की प्रॉब्लम खुद समझनी चाहिए. हेंस क्या क्या देश में इशू हैं, सारे गवर्नर साथ में बैठ के कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये पहली बार हो रहा है देश में. तो ऑल इंडिया गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस वुड बी हेल्ड, दिस इज इन न्यूज. एक और चीज इसमें से निकल के आती है कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज टू बी डिस्कस्ड. तो देश के सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं, ये आपको पता चल रहे हैं. 3 क्रिमिनल लॉज, सारे क्रिमिनल लॉ चेंज हो गए ना लगभग. CRPC की जगह आ गया BNSS, IPC की जगह आ गया BNS, भारतीय न्याय संहिता, है ना. एविडेंस की जगह कौन सा आया, साक्ष्य अधिनियम. Somebody has filed a case कि हम साउथ इंडिया से, हम तो इसके नाम भी नहीं बोल पा रहे, है ना. सो लेट्स सी, बट हमें क्या देखना है कि बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं. देन रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, बिकॉज NEP आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में. सो अनदर वन इज डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज. आपने बजट में देखा था ट्राइबल एरियाज पे कितना फोकस किया, कौन सी स्कीम थी, जनजातीय योजना, राइट. सो दीज आर द इश्यूज ऑन विच मेंस विल आस्क क्वेश्चंस. इजंट इट सो सिंपल. एक्चुअली द न्यूज़पेपर इज अ क्वेश्चन पेपर रेडीमेड फॉर यू इफ यू कैन एनालाइज इट वेल. पर जो अखबार पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं तो खबर ही नहीं थी. मैं घर पे एक अलग न्यूज़पेपर बुलाता हूँ जो सीधा UPSC छापता है कि हम ये पूछेंगे. UPSC एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, राइट. सो इट इज ऑल अबाउट दी नॉट विजन IAS बट योर ओन विजन, राइट. सो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है जी गवर्नर्स की, प्रेजाइडेड ओवर बाय होम. छोटे दादा आएंगे तो बड़े दादा प्रेजिडेंट मुर्मू जी कॉन्फ्रेंस लेंगे. दिस वॉज इन न्यूज, बट इशूज इसमें से ये नोटेबल, राइट. देन गोइंग अहेड, दिस इज अ टोटल ओवरहॉल इन, इसको अभी पढ़ना नहीं, पहले कहानी सुनना. रिजर्वेशन एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है इस देश में, है ना. और जब भी आप ड्राइंग रूम डिस्कशंस में होते हैं तो दो तरीके के मेजर ओपिनियंस आते हैं इसमें. जिनको नहीं मिली वो बोलते हैं यार बेकार है, हटा दो बढ़ा दो. जिनको मिली है वो बोलते हैं और बढ़ा दो. एंड व्यथा ये है, आयरनी ये है, दैट यूजली व्हाट ह्यूमन शुड एम फॉर, कि बैकवर्ड नहीं होना, प्रोग्रेसिव होना है. बट इस देश में सारे प्रोटेस्ट अब पिछले 5 साल से इसलिए हुए हैं कि मैं बैकवर्ड, आई एम बैकवर्ड. यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ बैकवर्ड बाय प्रोटेस्टिंग. वाई इट इज अरानिकल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिजर्वेशन. बट अब हमने सिविल सर्वेंट बनना है, हमने न्यूट्रल ओपिनियन रखना है. तो न्यूट्रल ओपिनियन कैसे रखना, उसके लिए आई विल टेक अ स्टोरी राइट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, कमिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी, कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन एंड दिस वॉटरशेड मूवमेंट. दिस इज अ बिग 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 डेवलपमेंट. हाउ यू विल अंडरस्टैंड, देश जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए हमारा देश कहाँ से चल रहा था, बिल्कुल वेदास से चलो. वैदिक कल्चर था, तब इक्वालिटी थी, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, डिस्क्रिमिनेशन, है ना. डिस्क्रिमिनेशन कैसे शुरू होती है, प्राइमरली वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है, पहले हमें एग्रीकल्चर नहीं आता था, राइट. हम फूड हंटिंग गैदरिंग करते थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम. फिर एग्रीकल्चर आ गया तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ी एग्रीकल्चर के लिए, लैंड. तो जिसका जितना लैंड होगा उतना वो अमीर होगा. तो लैंड को बढ़ाने के लिए क्या स्कीम करी, फिर वुमेन को रिप्रेस करना शुरू कर दिया. That women were only the purpose or the serve the purpose of actually adding to the land of the husband. अब आप मानो आपका बेटा जॉनी लिवर है और दूसरे वाले की बेटी ऐश्वर्या राय है. अगर ऐश्वर्या राय पड़ गई तो क्या कभी जॉनी लिवर से शादी करेगी. बट बिजनेस मोटिव, लैंड मोटिव बोलता है कि नहीं, ऐश्वर्या राय की जॉनी लिवर से शादी करानी है बिकॉज लैंड बढ़ेगा. तो ऐश्वर्या राय को इतना दबा दो, इतना डिप्रेस कर दो कि वो
कहे जहां बोलते हो पापा. दिस इज वेयर डिप्रेशन ऑफ वुमेन और सप्रेशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड, राइट. सो उस टाइम हमारा समाज कैसा था इंडिया में? वी वर बेस्ड अपॉन द कास्ट सिस्टम. बाय बर्थ बता दिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग कास्ट थी. कोई वीवर्स की कास्ट है, वो सिर्फ वीविंग करेंगे. कुछ चंडाल्स की कास्ट है, वो सिर्फ फीकल मैटर एंड डेड बॉडीज उठाएंगे. अगर बच्चा उनका ब्रिलियंट भी है तब भी वो कुछ और नहीं कर सकता. वो पैदाइश से ही, अगर टेलर के पास पैदा हुआ तो वो टेलर ही है. बाय बर्थ दैट इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड स्टेटस. देयर आर टू स्टेटसेस, एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड. अचीव्ड स्टेटस था ही नहीं, अपॉर्चुनिटी थी नहीं. टेलर के घर पैदा हो तो टेलर ही है, बात खत्म. कारपेंटर का कारपेंटर ही है. तो इस हिसाब से हमारी कास्ट थी, है ना. एग्जाम्पल नहीं मैं दे सकता, पोलिटिकली सेंसिटिव एक दे सकता हूँ. नागपाल, नागपाल वर दोज पीपल जो नागपाल थे, है ना. सो सिमिलरली ऐसे कास्ट बन गया. तो कास्ट में क्या हुआ, पीपल वर डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड. जो अबिलिटी वाले, पोटेंशियल वाले लोग थे, उन्हें भी मौका नहीं दिया गया कि तुम यूपीएससी का पेपर दो और आईएएस लग जाओ, राइट. सो हेंस जब देश आजाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना था, फर्स्ट पॉलिटी क्लास में देखा होगा, कि हम रूल ऑफ लॉ ला सके, मतलब फेयरनेस. रूल ऑफ लॉ मींस थ्री थिंग्स, राइट. जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. दैट मींस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ला सके. सो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल मींस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस कि सबको बराबर हक होने चाहिए, कि जो मर्जी पेपर दो. बट फिर हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दो बच्चे यूपीएससी के पेपर में बैठे हैं. एक वो बच्चा है जिसके पापा चंडाल कास्ट से थे. अब पापा कभी, उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, बच्चे ने कभी कुछ भी नहीं देखा स्कूल का. और दूसरा बच्चा राजा का है, जिसने विजन से भी कोचिंग लिया, वाजीराम से भी लिया, प्लूटस से भी लिया, सबसे पढ़ा है. और घर आके उसको कोच पढ़ाते हैं कि राजा का बेटा है. अब ये दो बच्चे साथ में पेपर दे रहे हैं, कौन पास होगा? पेपर दे के भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा. और हमें राजा किसको बनाना है? जो हकदार होगा. तो हकदार अगर नीचे है, पहले उसे इक्वल प्लेटफॉर्म पे तो लेके आओ. ऐसे मान लो कि एक रेस चल रही है, एज आई ऑलवेज से पॉलिटी क्लास में भी, कि रेस चल रही है जी, 100 मीटर दौड़ना है हमें. लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग लाइन एंड दिस इज द फिनिशिंग लाइन. चार लोग इसमें दौड़ रहे हैं, दो ये और दो ये. ये दो पैरों वाले हैं, लंगड़े हैं. अब दो पैर और लंगड़े साथ में भगाओगे, ये तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए ना, इनका तो पैर ही एक है. सो क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है? नहीं, ये तो हार ही गए. तो सिमिलरली वो चंडाल का बच्चा तो हार ही गए. तो हेंस हमने कहा 100 मीटर की रेस नहीं, जो लंगड़े हैं यहां से स्टार्ट करेंगे. अब बताओ, अब इक्वालिटी है? दोनों के पास चांस है ना बराबर बराबर. तो हेंस रिजर्वेशन का मतलब ये है कि पहले इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर आओ. हेंस जो हमारा इक्वालिटी वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 14, उसमें दो तरीके की इक्वालिटी की बात हुई है, जो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ, EBL, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. सो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या थी, कि सारे साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं है. बट क्या ये सच में इक्वालिटी थी? दिख रही है पर है नहीं. हेंस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक. अब बराबर है ना, दिख तो डिस्क्रिमिनेशन रहा है. दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, जैसे कि लंगड़ों को आगे खड़ा कर दिया और दो पैर वालों को पीछे. लग तो रहा है कि डिवाइडेड, बट इजंट इट इक्वल नाउ, है ना. आपने मीम्स में फोटो देखी होगी कि दीवार के उस तरफ मैच चल रहा है, एक छोटा बच्चा खड़ा है, एक लंबा बच्चा खड़ा है, कार्टन है उस पर एक एक पैर रखे खड़े हैं, देन दोनों छोटे बच्चे को ले लेते हैं. सो इजंट इट दैट. सो द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी वुड बी, पीपल माइट थिंक कि ये इसे अपोज कर रहा है, रिजर्वेशन इसे अपोज कर रहा है. पर क्या आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो कि रिजर्वेशन ओरिजिनली बना था इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, कि एक बार अगर ये लंगड़े और ये सारों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई
और लेट्स से जो चंडाल का लड़का था वो आईएएस बन गया, उसके बाद जो उसके बच्चे होंगे वो तो आईएएस के बच्चे होंगे ना, तो इसको रिजर्वेशन हटा दो. तो रिजर्वेशन वॉज सपोज टू बी अ, दिस वी कॉल इट अ सनसेट लेजिस्लेशन, कि जैसे सूरज उगता तो है पर डूब भी जाता है, वैसे ही रिजर्वेशन देंगे तो सही, बट जब अगर सारे इक्वल बन गए, सारे जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अनइक्वल थे, रिजर्वेशन वॉज बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिस और प्रिंसिपल दैट जिनके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट हुआ था उनको पहले एक बार इक्वालिटी दे दो, राइट, देन उसके बाद रिजर्वेशन हटा दो. फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को इगैलिटेरियन बनाने के लिए वी केप्ट रिजर्वेशन फॉर क्रिएटिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. गॉट द स्टोरी? एनी प्रॉब्लम स्टिल नाउ? बट जब हमने रिजर्वेशन दी तो हुआ क्या, होना क्या चाहिए था? हमने शेड्यूल कास्ट बनाई. शेड्यूल कास्ट बनाई कैसे? शेड्यूल कास्ट क्या है? दोज आर दी कास्ट विच वर नेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, बुक के पीछे होता है ना, टेबल्स होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे शेड्यूल्स हैं. तो प्रेसिडेंट साहब ने शेड्यूल्स में लिख दी कि ये कास्ट बैकवर्ड मानी जाएगी. क्यों? बिकॉज इनके खिलाफ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट करा गया था, है ना, हेंस वो शेड्यूल में लिख दी. तो शेड्यूल कास्ट कौन हुए? जो इस शेड्यूल में मेंशन है. तभी आपके क्वेश्चन में लिखा था शेड्यूल कास्ट वॉज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जब शेड्यूल ही नहीं था तो शेड्यूल कास्ट कैसे होती? समझ रहे हो? कास्ट तो थी बट वो तो अलग अलग थी ना, कोई कोई था, कोई था, कोई शर्मा था, कोई वर्मा था, कोई सिंह था, कोई कुछ था, राइट, बट शेड्यूल कास्ट कैसे बनी? जब ये शेड्यूल में आई, राइट. सो हमने रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड करी क्यों? रिजर्वेशन तो बेसिकली होनी चाहिए थी जो बैकवर्ड डिस्क्रिमिनेटेड थे उनके लिए, बट हाउ टू ग्रुप द पीपल? लेट से सारे इंडिया की जनता बैठी है, अब मैं कैसे पहचानूं कि कौन बैकवर्ड है, कैसे पहचानूं कि कौन चंडाल था? वो ग्रुपिंग्स कास्ट में बटी हुई थी, इंडिया में कास्ट में बटा हुआ था ना वो, कि ये कास्ट का है तो चंडाल होगा, ये कास्ट का है तो वीवर होगा. तो हमने कास्ट एज अ बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिया, एडमिनिस्ट्रेशन लिया, नॉट एज अ बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस. बैकवर्डनेस किस वजह से थी? हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट वॉज जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस फॉर रिजर्वेशन. सो होना क्या चाहिए था? जो जो लेट से 1, 2, 3, 4 और 5 कास्ट लिस्ट में दिए हमने, किए इनको रिजर्वेशन देंगे, है ना. तो रिजर्वेशन देने 10 साल का प्लान रखा गया था कि 10 साल बाद हटा दी जाएगी, जिस जिसको इक्वल हो गया उसको हटाए जाएंगे. कि लेट से ये आईएएस बन के सारे, हटा दिया, ये बन के हटा दिया. पर हुआ क्या? ये 5 से 0 होने चाहिए था हट हट के, ये 5 से 50 हो गए. अभी भी सारे कह रहे हैं मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मैं गरीब हूँ इसलिए दे दो. मैं इवन दी लैंडेड क्लासेस, वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, दी स्ट्रॉन्गेस्ट कास्ट एंड क्लास आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग एंड बर्निंग बसेज इन हरियाणा, इन पंजाब, आस्किंग फॉर रिजर्वेशन. हाँ जी, नाम नहीं ले सकता सर, चलान हो जाएगा. यहाँ वकील भी बैठे हैं, पुलिस भी बैठी है, साहब भी बैठे हैं. जी जी जी, जी जी, डेफिनेटली सर, दिस इज एक्चुअली ईपीएल अप्लाइड टू रिजर्वेशन, नथिंग एल्स. लिख लो यार, अनइक्वल ट्रीटमेंट अप्लाइड टू अनइक्वल्स. हाँ जी सर, फॉर एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी. वेरी वेरी ब्रिलियंट आइडिया, समझाना पड़ेगा पर सबको. अनइक्वल ट्रीटमेंट टू अनइक्वल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी. ये जब सारा टॉपिक समझा दूंगा तो समझ आ जाएगा, अभी लिख लो. लिख लिया जी. तो कहानी में हम कहां तक पहुंचे थे कि हुआ क्या? ये कास्ट हटनी चाहिए थी यहां से. ये बेसिकली क्लास को हमने कास्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करा, ये हटनी चाहिए थी पर ये बढ़ती गई. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, रिजर्वेशन इज, ये लिख सकते हैं अपने साथ साथ, इज राइट गोल
राइट गोल रॉन्ग स्ट्रैटेजी. राइट गोल रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मेरा ओपिनियन नहीं है. तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है, मेंस में पूछता है, भैया सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने कहा, मैंने तो नहीं कहा. कैसे, अब क्यों, क्या बोला इन्होंने, क्यों फॉरवर्ड क्लासेस भी रिजर्वेशन मांग रही है, वो पागल तो नहीं है, समझदार लोग हैं. तो दिक्कत क्या हुई, पहले देश चलता था एग्रीकल्चर पे, है ना, लैंडेड क्लास बहुत खुश थी कि ये जो एक्स वाई जेड कास्ट है, डिप्रेस्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, ये मेरे पास आता है कि साहब मुझे थोड़ा काम दे दो. पर अब क्या हुआ, जिसको आप अपने बहुत अनफॉर्चुनेटली घर में आने नहीं देते थे, अब उसके ऑफिस में आप बैठे हैं, वो डीसी लगा है और आप उसके सामने बैठे हैं, साहब मेरा काम करा दो. तो क्या हुआ, शिफ्ट इन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की रेलेवेंस कम हुई और सरकारी जॉब्स एंड जॉब्स की, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड गवर्नमेंट सर्विस की रेलेवेंस बढ़ गई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, राइट. इंडिया एक्चुअली प्राइमरी से था, टर्शरी पे आया. सो सर्विस सेक्टर में जॉब्स बढ़ गई और सरकारी जॉब जो सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस मानी जाती है, वहां पे रिजर्वेशन आ गई. एंड हमने क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया जिससे हटाना था, कि फॉर एग्जांपल एक्स कास्ट थी, वो चंडाल्स में आते थे, उनको रिजर्वेशन दे दी, बट जब वो आईएएस भी बन गया तब भी उसकी रिजर्वेशन हटाई नहीं, पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा, हटाई नहीं, राइट. सो उससे क्या हुआ कि लेट्स से ये 100 लोगों को रिजर्वेशन मिली थी, 100 कास्ट को, इसमें पहली बार लेट्स से 20 लोग इसमें से अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, फॉर एग्जांपल आईएएस. अब इनकी रिजर्वेशन हटी नहीं, तो ये तो राजा बन गए पर रिजर्वेशन भी है, और जो इसमें से 80 थे वो तो पिछड़े के पिछड़े ही रह गए, अगली बार रिजर्वेशन का बेनिफिट भी यही उठा जाएंगे. तो एक तरह से बैकवर्ड क्लास के बीच में एलिट्स खड़े हो गए. दिस कॉन्सेप्ट वॉज कॉल्ड बैकवर्ड एलिटिज्म, कि विद इन दी बैकवर्ड क्लासेस देयर इमर्ज्ड पीपल हु वर टेकिंग द मैक्सिमम शेयर ऑफ द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट. कोई कंफ्यूजन अभी तक, कहानी बड़ी अव्वल दर्जे की है, अगर नहीं समझ आ रही बता दो, आई विल सिंपलीफाई इट फर्दर. सो बैकवर्ड के बीच में भी वो लोग आ गए कि लेट से इन्हें 55% रिजर्वेशन थी, सारी की सारी लेट से 40 रिजर्व सीट थी, ये सारी यही लोग खा जाते थे, ये और इनके बच्चे. तो वही हो गया, राजा का बेटा बार बार राजा बनने लगा, हकदार बेचारा फिर यहां रह गया. तो इसमें हमने स्कीम बनाई, जो अगला कंसेप्ट हम समझेंगे. दो तरीके की रिजर्वेशन होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़े हैं वो ऑलरेडी एडवांटेज पे समझते हैं, है ना. सो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, कि आपने एक जनरल कास्ट बना दी, इसको मान लिया फॉरवर्ड, और एक बैकवर्ड क्लास बना दी. सो वर्टिकली आपने मान लिया अपर एंड लोअर, है ना, नॉर्मल एंड स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, सो ऊपर नीचे, इनको रिजर्वेशन दे दी वर्टिकली. बट आपने देखा कि बैकवर्ड में एलिट्स हो गए, तो हमने क्या करा, फॉर एग्जांपल ओबीसीज के लिए हमने विद इन ओबीसीज देखा कौन कौन कास्ट आ रही हैं. ओबीसीज में मुस्लिम्स भी हैं, ओबीसीज में सिक्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं. तो हमने इसमें देखा कि ओबीसी का लगभग, फॉर एग्जाम्पल मान लो, वैसे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 20% है, मैथ्स इजी रहेगा, इनको 20% रिजर्वेशन थी. तो हमने देखा कि जो मुस्लिम ओबीसीज है उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, जो क्रिश्चियंस है उनको भी कम मिल रहा है, ज्यादातर ये रिजर्वेशन का फायदा भी हिंदू ओबीसी और सिख ओबीसी उठाई जा रही, फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो हमने क्या करा, इस 20% कोटे को इनके बीच में भी बांट दिया, कि 20% कोटा, इसमें से 5% मैंडेटरली इन्हें मिलेगा, 5% इन्हें मिलेगा, 5% इन्हें, 5% इन्हें, कि जो बैकवर्ड अमंग्स दी बैकवर्ड है, काइंड ऑफ मोस्ट बैकवर्ड हो गए, बैकवर्ड अमंग्स दी बैकवर्ड को स्पेशली कोटा मिलेगा, कि आप लोगों को भी स्थान मिलेगा, कि आप भी फॉरवर्ड हो सको. हेंस दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दैट फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, अमंग्स्ट दी बैकवर्ड,
amongst the backward we have the sub categorization. Listen to the word sub categorization. पहले किस पे था हमारी रिजर्वेशन? क्लास, फॉरवर्ड क्लास पर. अब सब कैटेगराइजेशन ओबीसीज में अलाउ कर दी थी पहले ही, बट पंजाब ने 1975 में, पंजाब यू नो हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन दिस कंट्री प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज वाइज, वी डोंट अग्री टू इट, बट ज्यादा वो जो पीछे लिखा के घूम रहे हैं ना वो एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी वाले हैं. हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एससीज इन द कंट्री इज प्रेजेंट इन पंजाब. सो पंजाब में मोस्ट नोटिफिकेशन निकलती है कि अब जो एससी एसटी का कोटा, एससीज का कोटा है उसमें दो क्लासेस, ये क्योंकि नोटिफिकेशन थी तो मैं लिख सकता हूं, मसीबी एंड वन मोर वाल्मीकि, ये मोस्ट बैकवर्ड मानी जाती हैं. सो जो अगर एससीज का कोटा 20% है तो उसमें से 4-4% इनको स्पेशली मिलेगा ही मिलेगा. तो ये नोटिफिकेशन फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाती है. कुछ साल तो चलती है बट फिर चैलेंज हो जाती है. उस केस का नाम होता है ईवी चनैया केस, ईवी चनैया केस. इसमें बोला जाता है कि यार ओबीसी में तो सब कैटेगराइजेशन अलाउड है बट जो ये ग्रुप है एससी एंड एसटी ये एक होमोजेनियस ग्रुप है, इनको बैकवर्ड फॉरवर्ड में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर होमोजेनियस ग्रुप्स, राइट. हेंस सब कैटेगराइजेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वॉज अलाउड इन ओबीसी बट नॉट इन एससी एसटी. इससे क्या हो रहा था, इसमें बैकवर्ड लीड पैदा हो जा रहे थे. आई हैव स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, आई कैन नॉट नेम देम बट अंडरस्टैंड. फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं पंजाब के, उनका लड़का रिजर्वेशन से आईएएस बनता है ना, देन एक रैंक वन को सारा इंडिया हेट करता है, फिर हेट रेट इतना ज्यादा होता है कि उनका प्यार भी टूट जाता है. जी जी नहीं कर सकते थे. क्यों? रीजन पूछ रहे हो कि ये पूछ रहे हो क्या कह रहे हो? रीजन ना, रीजन उन्होंने बोला, I have to repeat the Supreme Court's wording because it's sensitive, that SCs and STs are perpetually backward. वो backward ही हैं, उनमें कोई categorization नहीं की जा सकती. तो तब से लेके अब तक यही रूल चल रहा था कि horizontal reservation OBCs को तो मिलेगी but SCs STs में नहीं मिलेगी. सही समझ गए? क्लियर है बात? ओबीसी में ये फर्क है, देखो ओबीसी में बहुत सारे, पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली एससी एसटी को रिजर्वेशन थी, ओबीसी को नहीं थी. ओबीसी को बाद में 27% रिजर्वेशन दी जाती है, बहुत बाद में. तो इनके ऊपर स्पेशल रूल्स लगाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी इन पे अप्लाई होता है, इन पे नहीं, ठीक है. और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी इन पे नहीं होता था, इन पे होता था क्यों बोला भी बताता हूँ, समझे. तो ये बाद में आए, इनके रूल्स ही डिफरेंट है बिकॉज माना जाता है कि ये तो ज्यादा बैकवर्ड थे, ये थोड़े कम थे. बट सुप्रीम कोर्ट अभी तक मानता था, परसों तक, कि ये जो हैं इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये बैकवर्ड ही हैं. बैकवर्ड क्यों है, इनकी गलती नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकल है, ये मानना है भाई, इनकी गलती नहीं है. सही, बट हो क्या रहा था रिजर्वेशन से, एलिटिज्म आ रहा था इनमें, बैकवर्ड एलिटिज्म. सो हेंस बहुत बड़ी खबर आई कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि एससी एसटी भी होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, सारे एससी एसटी भी एक जैसे नहीं है, इनमें भी तो अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग डिस्क्रिमिनेशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल एक चंडाल था बिल्कुल और दूसरा वीवर था, तो वीवर का बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, चंडाल का बच्चा तो बेचारे को शहर में आने से पहले भी घंटी मारनी पड़ती थी, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट.
राइट, हेंस जो चंडाल का बच्चा था उसको रिजर्वेशन थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए, जो वीवर का था उसे थोड़ी कम मिलनी चाहिए, जो राजा का था उसे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए. सो हेंस अब सुप्रीम कोर्ट ने अगेन 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 से सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन कर दी है अलाउड. दिस इज अलाउड, सब क्लासिफिकेशन इज नॉट अलाउड. पेपर ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको. कैटेगराइजेशन अलाउड है, क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है. मतलब एससी एसटी का जो कोटा है वही रहेगा, अलग क्लास ऑफ कोटा नहीं बना सकते आप, उसी कोटा को उनके बीच में बांट सकते हो. नई क्लास नहीं बनाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड क्लास में इनमें कोई और क्लास बैकवर्ड नहीं होगी, बट विद इन द बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड एंड दिस इज हाउ यूपीएससी प्लेज विद वर्ड्स. इन वन स्टेटमेंट दे विल राइट सब कैटेगराइजेशन इज नाउ अलाउड, यस ट्रू. अदरवाइज दे विल राइट सब क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो अलाउड, नो. राइट, दिस इज द सेम क्लास बट विद इन देम ग्रुप्स वुड बी गिवन होमोजीनियस रिजर्वेशन. तो अब आप खुद सोच के बताओ कि मेंस में हम ये क्या सोचें. सपोज आप एडमिनिस्ट्रेटर्स हो और लेट्स से फॉर एग्जांपल एससीज एसटीज का 20% कोटा है बैकवर्ड, फॉर एग्जांपल, राइट, फॉर इंस्टेंस, हाइपोथेटिकली. अब हम सारे, आप लोग कहीं बैकवर्ड पे बुरा मान जाओ, मेरे साथ 20 लोग हैं, हम सारे एससी एसटी कोटे वाले हैं फॉर एग्जांपल, राइट. सो अब आपने ये देखना है कि इसमें से किसको ज्यादा कोटा दिया जाए, किसको ना दिया जाए. किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन ज्यादा रिजर्वेशन का हकदार है? एनीबडी? एनुअल इनकम, हाँ जी सर, और वन और कैपेबिलिटी, और हाँ जी मैम, मेरे को बता दो, अपने आप को बता दिया आपने. अरे रिजर्वेशन बनी क्यों थी? कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, हमने ये फाइंड आउट करना है ना चंडाल कौन था और वीवर कौन था. तो हमें हिस्टोरिकल डेटा पे भी बेस करना पड़ेगा कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसके खिलाफ हुई, नंबर वन. नंबर टू जो मैडम ने बोला कि कौन सा इस समय पे सर्विसेज में कम है, तो करंट सिचुएशन के साथ साथ, इनकम और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन भी देखनी होगी. तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एससीज एंड एसटीज को सब कैटेगराइज कर सकते हो. तो अब इसमें मुद्दा क्या आएगा? अब स्टेट्स के पास पावर आ गई. अब ये भी तो देखा जा रहा है ना, पॉलिटिकल क्लास में तो एक स्टेट में एक ही टाइप के बंदे सीएम बन रहे हैं, और सीएम किससे बनता है? वोट से. वोट कौन देता है? जातियां. तो एक तरह से एक मौका बन गया सीएम के पास कि लेट्स से मेरी स्टेट में चार लोगों को रिजर्वेशन है, चार कास्ट को, एक्स वाई जेड एंड ए. इसमें से जो जेड क्लास है इसके बंदे लगभग मेरी स्टेट में 40% है. मुझे पता है कि अगर मैंने इनकी रिजर्वेशन बढ़ा दी कुछ भी झूठ मूठ करके, तो ये मुझे सीएम बना देंगे. हेंस नाउ द चैलेंज, बहुत अच्छी बात तो हुई है, बट चैलेंज इज कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए सब कैटेगराइजेशन को क्लासिफिकेशन ना बना दिया जाए. गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द टॉपिक इन इट्स एंटायरिटी. कोई सवाल, कोई इशू हो तो बताओ. हाँ, बट उसी को कैंसिल कर, ईवी चन्नैया केस में बोला था नहीं होगी. कैटेगराइजेशन तो हो सकती है बट उसमें रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, दैट वाज नॉट अलाउड बिटवीन द एससी एसटीज. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाज नॉट अलाउड इंटर से और इन लेट्स से बिटवीन द क्लासेस ऑफ एससीज एंड एसटीज. ऑल्दो द पंजाब लॉ वाज रेलेवेंट, बट केस ही उसको चैलेंज करने वाला हुआ था. ईवी चन्नैया में वो बंद कर दिया, राइट, बट अब अलाउ कर दिया, राइट जी. एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम्स? क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको मिलेगी, पढ़ेंगे आप. अगली बार सवाल करूंगा मैं. कोई सवाल हो मेरे से तो बताओ. एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स?
One more thing and the last thing is the legal advisory council. So आपने देखा कि एक आदमी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, वो नारा अगले महीने गायब हो गया. और सीटें कितनी आई, कितनी चाहिए थी सरकार बनाने के लिए? 272. ये तो बोल रहे थे हम डेढ़ गुना सरकार बनाएंगे, बनी कितनी? एक बहुत बड़ा कारण सरकार का हारने का ये है कि इनके जो लॉज बनाए हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिए, है ना. कौन से? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के. और कौन सा? आईपीसी में जो ट्रांसपोर्टर्स को हाँ जी, मैं क्या थानेदार आगे मैंने कुछ गलत कर दिया. अच्छा, जस्ट वन मिनट सर, टू मोर मिनट्स. राइट, सो बेसिकली क्या हो रहा था जी, एक तो इनके ट्रांसपोर्टर्स का जो ट्रकों की स्ट्राइक हुई थी, देखा होगा आपने क्या रूल बना. अभी तक ट्रक से अगर गाड़ी से आप बोलना नहीं चाहिए. अभी तक ये रूल था कि गाड़ी से किसी को मार देते तो मैक्सिमम सजा कितनी होती है वकील साहब? रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, मैक्सिमम 3 years था. गाड़ी के नीचे जाके किसी को मार दो, 3 साल में बाहर आ जाओ, स्कीम अच्छी थी. तो सरकार ने BNS जो IPC को रिप्लेस करके आया, उसमें रूल रखा कि कोई ट्रक वाला अगर किसी आदमी को मार देता है तो 10 साल की सजा बिना इंक्वायरी. तो बेसिकली ट्रक वालों ने उस पर स्ट्राइक कर दी, तो उससे भी सरकार हार रही है. सो बेसिकली लॉ जो सरकार बना रही है उसे सुप्रीम कोर्ट इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताई जा रहा है. तो उस वजह से एक तो सरकार गिर रही है, वो तो चटकारी बात है, बट मुद्दे की बात क्या है, उस वजह से कोर्ट में जाके क्या मिल रहा है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. बिकॉज द बिगेस्ट लेजिस्लेटर इन दिस कंट्री, सबसे ज्यादा केस किसके पेंडिंग है? सरकार के. तो सरकार वो लॉ ही ना बनाए जो बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कराना पड़े. वाई टू ओनली रिएक्ट जब लॉ बन गया उसके बाद खराब करा रहे उसे? सरकार का भी टाइम वेस्ट, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट, और अल्टीमेटली पीपल का. हम तो लॉ, हाँ जी, हाँ जी. सो अल्टीमेटली अगर आप लॉ ही सही बनाओ, पहले ही उस पर पढ़ाई कर लो. सो वी कॉल इट एज वाई बी रिएक्टिव रादर देन बीइंग जस्ट रिएक्टिव. लेट्स बी व्हाट, गवर्नेंस में प्रोएक्टिव, है ना. वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. तो इसके लिए खबर ये आती है कि हम लीगल एडवाइजरी काउंसिल बना देते हैं. प्रधानमंत्री के ऑफिस में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है. इकोनॉमिक डिसीजंस में वो बंदा हेल्प करता है, पूरी काउंसिल है. कि राष्ट्रपति और सॉरी प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या खर्चे कराने हैं, ये वो बताता है. तो अब ये रिकमेंडेशन आई है कि एक लीगल एडवाइजरी काउंसिल भी बना दो, सो दैट लॉ बनने से पहले रिसर्च करा जा सके कि ये लॉ सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कर देगा, इसको सही से कैसे बनाए. सो दे कैन रिसर्च एंड मेक द लॉ. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जहां पे प्रेजेंट है, वहां टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, दे कैन हेल्प विद दिस. अभी कैसे चलता है सिस्टम? अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जाती है, वो एग्जिस्टिंग लॉज में रिफॉर्म बताती है. तो जो बन चुका है उसको तो बाद में ठीक करोगे ना, पहले बनाओ ही सही. तो उसके लिए लीगल एडवाइजरी काउंसिल की बात न्यूज में रही, राइट. तो इसको आपने फॉलो करते रहना है. दो चीजें फॉलो करनी है आपने, आई हैव एक्सप्लेन दिस एज वेल. सो दो चीजें अब आपने फॉलो करनी है मेन्स क्वेश्चन से पहले. वन इज गवर्नर कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात हुई, अभी अखबार में आएगा, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरा रिलेटेड. एंड लीगल एडवाइजरी काउंसिल 1-2 महीने में पूरी बन जाएगी, तो इसकी कॉम्पोजिशन वॉम्पोजिशन हम पढ़ लेंगे अगर बनती है तो, राइट. क्लियर है बात? सो दिस इज द लास्ट थिंग. ये आंसर आपने क्लास के बाद लिख के 15 मिनट यहीं पे मेरे को सबमिट करके जाना है, वेदर बाय अ PDF, वेदर बाय अ पेज, इट्स योर चॉइस. अभी सर की क्लास लगाएंगे. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. सो एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स तो बता दो. सब ब्रिलियंट है यहाँ पे कि अभी दिमाग बंद है. हाँ जी जी, वन ऑफ द रीजंस फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, बिकॉज फार्म पॉलिसी बना दी, लॉ बना दिया, बात करी नहीं. तो वही लीगल एडवाइजरी काउंसिल उसमें काम आती है ना. अब फार्मर लॉ अच्छा था या बुरा था, दैट इज अ डिबेट फॉर अनदर डे.
बट ये तो क्लियर है ना कि फार्मर्स को कंसेंट में नहीं लिया गया, सारे मेन स्टेक होल्डर फार्मर था उसमें, उसी को नहीं बताया गया भाई तेरे हित में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे को पसंद है या नहीं है। आड़ती को सिर्फ एक आड़ती माना गया, जबकि फार्मर की फैमिली का मेंबर होता है वो, है ना। सो हेंस वी शुड बी वेरी श्योर दैट दिस माइट बी अ नेसेसरी टॉपिक फॉर द मेंस, राइट। एनी अदर डाउट्स जी? बेसिस हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल चंडाल और वो वाली बात बता रहा था मैं, बैकवर्ड तो कई सारी क्लासेस को एजुकेशन नहीं ना लिए दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल आर फॉर्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ड्राफ्टर मॉडर्न मनु डॉक्टर अम्बेडकर, वो भी क्लास स्कूल में चल रही हो ना, बाहर बिठाया जाता था कि तेरे को नहीं अंदर आना। सो ऐसी कई सारी क्लासेस थी ना, उनमें हर एक बंदे के अलग अलग कंस्ट्रेंट थे। किसी को तो शहर में नहीं आने देते थे कि तू बाहर रह, जब आएगा घंटी बजा, उन्हें स्कूल देखा भी नहीं। दूसरा एटलीस्ट बाहर बैठ के पढ़ तो रहा है, चाहे नीचे बैठा उसको बैठे नहीं दिया जा रहा। तो उस बेसिस पे सर, राइट। वन मोर थिंग इन द क्वेश्चन वॉज, जब लिस्ट बनी थी ना पहली बार, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जब बनती है, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट जब बनती है, तो पहली बार बनाते हैं प्रेसिडेंट, उसको चेंज करना हो, एडिशन या डिलीशन करना हो तो पार्लियामेंट। ये कंफ्यूजन बार बार एमसीक्यूज में आता है, इसको दिमाग में रखना, राइट। गलत गलत आंसर करने का मतलब ही ये होता है कि बाद में अगली बार पेपर में ना गलत हो। हाँ जी, क्या एक एक करके बोलो, क्या कह रहे हो? क्या बोला मैं? क्यों क्या था क्वेश्चन? हाँ, प्रेसिडेंट लिस्ट नोटिफाई जब होती है तो प्रेसिडेंट करते हैं, जब उसके बाद उसमें कुछ निकालना है या डालना है, एडिशन वेरिएशन करनी है, तो पार्लियामेंट करती है, सही। एनी अदर डाउट्स? पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ करती है। और कोई कमिटी पता कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCBC। कौन सी अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल बनी है? 102 से NCBC। एनी अदर क्वेश्चंस? नथिंग, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी। सर, थैंक यू।